बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ दो मिनट की तवज्जा। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा में एक ग़ुलाम ख़रीदा। वो ग़ुलाम भी वलीअल्लाह साहिब निस्बत और तहज्जुद गुजार था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा कि ए ग़ुलाम, तेरा नाम क्या है? इसने कहा, हजूर, ग़ुलामों का कोई नाम नहीं होता, मालिक जिस नाम से चाहे पुकारे। आपने फरमाया, ए ग़ुलाम, तुझको कैसा लिबास पसंद है? इसने कहा, हजूर, ग़ुलामों का कोई लिबास नहीं होता, जो मालिक पहना दे वही इसका लिबास होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ए ग़ुलाम, तू क्या खाना पसंद करता है? ग़ुलाम ने कहा, हजूर, ग़ुलामों का कोई खाना नहीं होता, जो मालिक खिला दे वही इसका खाना होता है। हसन बसरी चीख मार कर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो फरमाया, ए ग़ुलाम, मैं तुझको आज़ाद करता हूँ। मैंने तुझे पैसे से ख़रीदा था, मगर अब तुझको पैसा नहीं देना है, मैं तुझको मुफ्त में आज़ाद करता हूँ। ग़ुलाम ने पूछा, किस किस नेमत के बदले में आप मुझको आज़ाद कर रहे हैं? आपने फरमाया, तुमने हमको अल्लाह की बंदगी सिखा दी, सुभान अल्लाह।